आज हम अपनी अंग्रेजी बोलना सीखें, थर्ड क्लास में आपका स्वागत कर रहे हैं फिर से। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया है, सेकंड वीडियो में किया है, या अपन थर्ड वीडियो में जो करने जा रहे हैं आज, मेरी इन चीजों को आप फॉलो करें। आप फॉलो करेंगे नो डाउट आप 100% सीखेंगे। मैंने अभी आपको केवल प्रैक्टिस दी है कि आप अपनी जीभ को हैबिचुअल बनाओ इंग्लिश बोलने के लिए। तो उसी कड़ी में आज अपन लेके चल रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है वो है पढ़ता है। ये क्या है पढ़ता है? टेंस पढ़ाते समय ना कोई नहीं बताएगा, लेकिन आप सोचो ना, जिंदगी में डेली बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें करनी पड़ती है, समझ रहे ना, हमें करनी पड़ती है। अब चाहे चाह के करो या ना चाह के करो। सिंपल मैं बोलूं, मेरी मम्मी यहाँ पे नहीं है तो मुझे खाना पकाना पड़ता है, पड़ता है। पापा बाहर गए हैं इसीलिए मुझे दुकान खोलनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझनी है। तो जब इस प्रकार का वाक्य हो पड़ता है, तो उस समय यहाँ पे आई का हम क्या पढ़ते हैं? मैं नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मुझे। ऐसे कैसे? बी का हमें, दे का उन्हें, यू मत तुम्हें या आप। ओके, ऐसे कैसे? ही होगा तो उसे, सी होगा तो उसे। प्रॉपर पर्टिकुलर अगर कोई नाम दिया हो जैसे राम, तो क्या जाएगा? राम को, फादर पिताजी को, मिताजी को। अब एक बात समझिएगा, अब ये काम जब कोई व्यक्ति मजबूरन करता है, ड्यूटी से करता है, तो वो पढ़ता है, समझ रहे हैं? तो इसको आप इंग्लिश में कैसे करेंगे? पढ़ता है। अब मैं कहूँ मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव, क्लियर? अब मैं कहता हूँ हमें आना पड़ता है तो वी हैव टू कम। ओके, फिर देखिए उन्हें पढ़ना पड़ता है। उन्हें की जगह अपन बॉयज भी लिख सकते हैं। लड़कों को पढ़ना पड़ता है, स्टूडेंट विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है, क्या बोलेंगे आप? दे हैव टू रीड, हो जाएगा। बच्चों को लिखना पड़ता है, बच्चों को लिखना पड़ता है, तो चिल्ड्रन हैव टू राइट। ओके, पापा को दुकान खोलनी पड़ती है, फादर हैज टू ओपन शॉप, क्लियर और नॉट? यस सर। अब मैं कहूँ मम्मी को खाना पकाना पड़ता है, मम्मी को खाना पकाना पड़ता है, मदर हैज टू कुक फूड, क्लियर? अब आप समझिएगा अपन इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आई वी यू दे या कोई भी बहुवचन, उनके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और ऐसे कैसे? ही सी इट सिंगुलर एक वचन हो, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। तो आज का ये जो अपना प्रयोग है ना, दिमाग में रखना। दिमाग में कैसे रखना? जैसे सबसे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में अपनी अंग्रेजी बोले क्लास वन के अंदर आपको बताया था, वो बताया था आपको होने वाला है, क्लियर और नॉट? यस। इसका था आपने इज टू बी। दूसरे वीडियो के अंदर आपने बताया था खाली वाला है, वाला है, वो उसमें आपने क्या दिया था? इज आर एम टू टू। ओके, लेकिन आज अपन कर रहे हैं पढ़ता है, तो माइंड में आपको यही रखना है, हैज हैव टू, हैज हैव टू। अब मुझे बोलना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक, क्लियर? यस सर। किसान को खेत में काम करना पड़ता है, किसान को, फार्मर हैज टू वर्क इन फील्ड, क्लियर और नॉट? यस सर। अध्यापक को पढ़ाना पड़ता है, तो टीचर हैज टू टीच, क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? क्लियर। प्लेयर को, खिलाड़ी को खेलना पड़ता है, तो प्लेयर हैज टू प्ले, क्लियर और नॉट? यस सर। गायक को गाना पड़ता है, गायक को गाना पड़ता है, सिंगर हैज टू सिंग, क्लियर और नॉट? क्लियर। अपने माइंड में आज रखिएगा, आपको थर्ड क्लास के अंदर आज अंग्रेजी बोलना सीखें। थर्ड क्लास के अंदर अपन ने जो बात की है वो किसकी की है? पढ़ता। अब जैसे मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं, मम्मी को खाना पकाना पड़ता है, पापा को कमाना पड़ता है, पापा को कमाना पड़ता है, पापा को कमाना पड़ता है, फादर हैज टू अर्न, क्लियर और नॉट? क्लियर सर। अब आप ऐसा सोचिएगा कैसे, किसको क्या काम करना पड़ता है, ये चाहे ड्यूटी हो,
चाहे ये कर्तव्य हो चाहे ये मजबूरी हो, किसी न किसी को कुछ न कुछ करना पड़ता है। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। क्लियर और नॉट? क्लियर। तो आप अब सीखिए ना, अपनी इस जीभ को अपनी टंग को बोलने का आदि बनाइएगा, हो जाएगा। yes, अब आप सोचो, आप सोचिए ना, ड्राइवर को क्या करना पड़ता है? गाड़ी चलानी पड़ती है। तो ड्राइवर हैज टू ड्राइव कार। क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर और नॉट? यस सर। तो ऐसे ऐसे ना वाक्य बनाइएगा। अब कुछ भी, नाई को बाल काटना पड़ता है। यस सर। दुकानदार को दुकान खोलनी पड़ती, समझ में आ रहा ना? तो प्रत्येक व्यक्ति का जिंदगी में कोई न कोई ड्यूटी होता है, उस ड्यूटी को आप इस वाक्य से बनाएंगे। Has have प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब आप हमारे इन वीडियोस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, आई गारंटी आप बहुत सारा सीखेंगे, बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। और मेरा फिर से निवेदन है, ये जो चीजें हैं मैं इनको बाद में इंटरलिंक करूंगा। अभी मैं केवल आपको जो सेंटेंस दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि आप बोलने के आदि बने। जब आप बोलने के आदि हो जाएंगे, एट दैट टाइम आई विल कनेक्ट ईच एंड एवरी सेंटेंस फॉर फ्लुएंसी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। नो डाउट आप भी सीखेंगे और आप लोगों का सपोर्ट हमें भी मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।